हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन नेचर कैनवास। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर बात करूंगी। उस टॉपिक के ऊपर मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। वो टॉपिक है एयर प्रूनिंग या कोकोपीट पॉट या फिर ऐसे पॉट्स जिनमें एयर प्रूनिंग किसी भी प्लांट की बहुत अच्छे से होती है। आज मैं आपको उसका एक लाइव एग्जाम्पल दिखाऊंगी जो कि आप अपनी आँखों से देख सकते हैं। ये मेरी दो डहलिया की कटिंग थी, ये मैंने लाकर ये अपने इन दोनों पॉटों में लगाई थी। इन्हें लगाए मुझे 10 डेज हुए हैं। 10 डेज पहले मैंने इन दोनों कटिंग्स को लाकर, 10 या 15 डेज हुए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, इन दोनों कटिंग्स को लाकर मैंने लगाया था। फ्रेंड्स, इसके बाद आप ये देखिए, आप दोनों तरह के मेरे पॉट्स भी देख पा रहे होंगे और ये दोनों इसकी कटिंग की ग्रोथ भी देख पा रहे होंगे। ये है मेरा कोको फाइबर वाला पॉट जिसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि मैंने एयर प्रूनिंग के बारे में, कोकोपीट फाइबर पॉट के बेनिफिट्स के बारे में बहुत कुछ बताया है। आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा जिससे आपको पता चलेगा कि ये पॉट्स हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आप लोग खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं, एक ये क्ले पॉट है जिसमें मैंने इस कटिंग को लाकर लगाया था और आप इसकी ग्रोथ देखिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि इसमें इस प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ होगी, टाइम आने पे फ्लावरिंग भी करेगा अपने सीजन के हिसाब से, लेकिन जो ग्रोथ इस कोको फाइबर पॉट में हो रही है वो इस क्ले पॉट में नहीं हो रही। मैं ये नहीं कहती क्ले पॉट बेकार हैं, सीमेंट पॉट बेकार हैं, प्लास्टिक पॉट बेकार हैं या ये पॉट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन आप लोग इजीली आप इसकी ग्रोथ को देख सकते हैं। ये देखिए, आप इसकी ग्रोथ देखिए, जो कोको फाइबर का पॉट है इसमें जो ये कटिंग है इसकी देखिए ग्रोथ ऑल ओवर चारों तरफ से हो रही है। कितनी इसकी लश ग्रीन ये लीव्स आ रही हैं, न्यू न्यू ग्रोथ आ रही है चारों तरफ से, इक्वली चारों तरफ से ये ग्रोथ बहुत अच्छे से कर रहा है। क्योंकि जो ये कोको फाइबर पॉट है इसमें एयर प्रूनिंग के द्वारा जो हमारी जो प्लांट्स की जड़ें होती हैं उन्हें ऑक्सीजन बहुत अच्छे से मिलता है, चारों तरफ से मिलता है, वो अच्छे से सांस ले पाती हैं, अच्छे से वो अपना फूड बना पाती हैं, इसलिए इनकी ग्रोथ इतनी अच्छी है। वहीं दूसरी ओर ये क्ले पॉट या सीमेंट पॉट जो भी होते इसमें भी ग्रोथ हो रही है लेकिन बहुत स्लो हो रही है। ये देखिए, ये सिर्फ 3 लीव्स जो निकली हैं जिनका भी कलर्स बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो ये ग्रोथ तो करेगा लेकिन बहुत स्लो करेगा। सीजन आने पे भी ग्रोथ करेगा लेकिन बहुत स्लो करेगा। तो क्योंकि इस तरह के पॉटों में कहीं से भी एयर सर्कुलेशन नहीं होता, प्लांट को सांस लेने के लिए जगह ही नहीं मिलती, तो इसलिए ये पॉट्स मतलब इस तरह के पॉट्स में ये प्लांट की ग्रोथ इस तरीके से होती है। अगर ये अपने सीजन के अनुसार पूरी फुल ग्रोथ भी करे तो ये देखना आप सीधे सीधे ही इसकी ग्रोथ होगी। मैं इसे पिंच करूंगी तब जाके इसकी 2 या 3 ब्रांच इस तरीके से निकलेंगी, लेकिन अगर मैं इसे पिंच नहीं करूंगी यहाँ से तो ये सीधे सीधे ग्रोथ करता रहेगा और बहुत लैगी सा प्लांट हो जाएगा, तो मे बी इससे फ्लावरिंग भी बहुत कम हो। लेकिन इस प्लांट को मैंने कहीं से भी पिंच नहीं किया, फिर भी देखिए इसकी ग्रोथ चारों तरफ से कितने अच्छे से हो रही है। दोस्तों, मेरा आपसे बार बार यही कहना है कि आप इसमें ग्रोथ देख सकते हैं कि किस तरीके से ये ग्रोथ इक्वली चारों तरफ से हो रही है। दोस्तों, मेरा आपसे बार बार यही कहना है कि आप अपने प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ऐसे पॉट का चुनाव कीजिए जहाँ वो अच्छे से सांस ले सकें, अपना फूड बना सकें, बहुत अच्छे से ग्रोथ कर सकें बहुत कम केयर में। मैं माना कि ये पॉट बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और बहुत जल्दी ख़राब भी होते हैं, लेकिन इनमें प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है। आप खुद देख सकते हैं कि इन दोनों प्लांट्स की ग्रोथ में कितना फ़र्क है, जबकि मैंने सेम डेट पे सेम टाइम पे ये दोनों प्लांट लगाए थे और इनको मैं फर्टिलाइज़र भी सेम ही दे रही हूँ, बल्कि इसमें तो मैं बहुत कम फर्टिलाइज़र दे रही हूँ। इसमें मैं फिर भी 10 डेज में लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रही हूँ, फिर भी इसकी ही ग्रोथ है।
तो दोस्तों मेरा कहने का यही आपसे ज़्यादा से ज़्यादा अनुरोध है कि प्लांट्स की भी हमारी तरह लाइफ होती है, वो भी हमारी तरह से ही जीना चाहते हैं। जिस तरीके से एक बंद कमरे में हमें छोड़ दिया जाए तो हमारा कुछ ही देर में दम घुटने लगता है, उसी तरीके से हमारा प्लांट्स का भी होता है। चूँकि विंटर्स के जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो सीजनेबल होते हैं और विंटर्स का सीज़न भी बहुत कम आता है, तो हम लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा इच्छा क्या होती है, वो जल्दी फ्लावरिंग पे आएँ, बहुत अच्छी ग्रोथ करें। ग्रोथ अच्छी करेंगे तो ब्रांचेज बहुत ज़्यादा होंगी, ब्रांचेस ज्यादा होंगी तो फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे से होगी। लेकिन क्ले पॉट या सीमेंट पॉट में बहुत अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाते वो। इस तरह के पॉट्स में बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करेंगे, बहुत जल्दी फ्लावरिंग पे भी आएंगे। तो अगर आप विंटर्स में बहुत हेल्दी फ्लावरिंग चाहते हैं, हेल्दी प्लांट चाहते हैं कि कम से कम आपका प्लांट मरे, आपको वाटरिंग भी बहुत कम करनी पड़े, उसमें फर्टिलाइजर भी कम देना पड़े, उसकी मेंटेनेंस भी कम करनी पड़े, तो आप इस तरह के पॉट्स अपने घर में लाइए। आप ये कोको फाइबर पॉट लेकर आ सकते हैं, इसकी बास्केट लेकर आ सकते हैं, आप जियो पॉट्स बैग लेकर आ सकते हैं, ग्रो बैग लेकर आ सकते हैं, आप किसी भी तरीके बस प्लास्टिक में या फिर सीमेंट वाले पॉट्स में। तो बिल्कुल भी आप अपने विंटर्स के सीजनेबल प्लांट्स बिल्कुल नहीं लगाइए, वरना उनकी ग्रोथ तो होगी ही नहीं, फ्लावरिंग तो आप भूल ही जाइए। मेरा तो ज़्यादा से ज़्यादा मानना है जो सीजनेबल जो प्लांट होते हैं उनका सीजन बहुत कम टाइम के लिए आता है, खासकर विंटर का, तो हमें अपने प्लांट को अच्छी ग्रोथ देनी चाहिए। अच्छी ग्रोथ देने से वो अच्छे से फ्लावरिंग भी करेंगे और हमारा जो सीजन है पूरा सीजन हमारे गार्डन में फ्लावर बहुत अच्छे से भरे रहेंगे। दोस्तों दूसरा ये बेट लेस भी होते हैं, आपकी छत पे कम से कम वजन डालते हैं। इसमें सॉयल मीडिया भी ऐसा होता है जो सॉयल लेस होता है, इस सब के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो उसे देखिए। लेकिन आप इन दोनों प्लांट की ग्रोथ का डिफरेंस खुद देख सकते हैं, मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। तो अब अगर आप अपने प्लांट की ग्रोथ अच्छे से चाहते हैं तो आप इस तरह के पॉट का चुनाव अपने प्लांट्स के लिए कीजिए, स्पेशली विंटर के लिए तो बिल्कुल कीजिए, जिससे आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो सके। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी ये दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों आगे एक नई जानकारी के साथ।